गुड मॉर्निंग डियर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डियर सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सेवन की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे दिनचर्या माध्यमों का बालक के विकास पर प्रभाव। तो आज का हमारा प्रकरण है जनसंचार जनसंचार माध्यमों का भाषा विकास पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों के भाषा विकास का संचार माध्यम भाषण भिन्न प्रकार के संचार माध्यमों के ऊपर जिनके द्वारा हम दूरदर्शन से चलचित्र आदि देख सकते हैं। इन प्रकार के
संचार माध्यम से साधनों के सामाजिक और विकास पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत के सामाजिक विकास के अंतर्गत अलग अलग प्रभावित होते हैं, जिसके अंतर्गत भारतों के सामाजिक धर्मों का विकास होता है। प्राय टेलीविजन मुद्दों में देखते हैं कि अनेक देखी जा सकती है, जिसके ऊपर भारत जिसके ऊपर भारत के अंदर ज्यादातर सामाजिक धर्मों का विकास होता है। कई ऐसी दुनिया आती है जो सामाजिक प्रभाव पर आधारित होती है, इस प्रकार से सामाजिक व्यवहार में ऐसे घूमने देखने से भारतों के अंदर सामाजिक धर्म का विकास होता है और समाज में समायोजन की भावना को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। जनसंचार माध्यमों का संचालनात्मक विकास के अंतर्गत विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जनसंचार के माध्यमों के दूरदर्शन पर ज्ञान प्रसार के माध्यम से ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रचारण किया जाता है, जिसके माध्यम से भारतों के अंदर विभिन्न प्रकार के आधुनिक के निर्माण और विज्ञान संबंधी उद्योगों का प्रसारण भी किया जाता है, जिससे आसानी से उनके अंतर्गत सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इन एक समाचार पत्र नेक्स्ट है मूल्य के विकास। मूल्य का जनसंचार माध्यमों के द्वारा मूल्यों का भी विकास किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के मानवीय